एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट पर देश भर में बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता की और बजट की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसमें हेल्थ के लिए 135% बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पानी को लेकर हमेशा शिकायतें मिलती हैं, जिसके तहत पीएम मोदी ने हर घर नल हर घर पानी की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि हम इतने सशक्त हुए हैं कि हमारे देश में 21 देशों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की सूची को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही सूची जारी हो जाएगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा की नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पहले वो इस बात का अध्ययन करेंगे कि रघुनंदन शर्मा जी ने कहा क्या है। लोकसभा के अंदर जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उन बिंदुओं पर यह पत्रकार वार्ता हमारी आज है। केंद्रीय बजट 2021-22 यह इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। एरियाज में इस बजट को प्रस्तुत जो किया है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हेल्थ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जिस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो जिसके पास मकान नहीं है, जो अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहता है, तो प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने नेतृत्व के कारण से आयुष्मान भारत देश को मिला और आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री में इलाज कोई भी गरीब देश का किसी भी कोने में करा सकता है। अपने आप को असहाय महसूस न करे, हर प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ बनेगा। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भारत के इतिहास में पहली बार 135% बजट के अंदर वृद्धि होना, यह एक बड़ा माइलस्टोन है। कोरोना का जो वैक्सीनेशन है उसके लिए बजट दिया है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज के लिए भारत के इतिहास में पहली बार कि कोने कोने का गांव का व्यक्ति कैसे स्वस्थ बनेगा। पहले स्वच्छता के अभियान में सारी चीजों को माननीय प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कदम उठाए, अब हेल्थ पर 135% देना, यानी